एक अनाज का व्यापारी था, उसने हरियाणा के अपने कोई रिश्तेदार का लड़का दत्तक लिया। वो लड़का बहुत अच्छा था, उसकी शादी कर दिया, बहू आई घर में। और बहू कुछ दिनों बाद ही रंग दिखाना चालू कर दिया। उसने मीठे मीठे में अपनी सास को, तब उस सास की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो गलत दवाइयाँ दे देकर मार डाला। और फिर बाद में ससुरे को भी बहुत तकलीफ देना चालू किया। ये देख के उसका पति हरियाणा लौट गया और वो बहू के अत्याचारों से उसका ससुरा बहुत तंग आ गया। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरी स्टेट आप अपने नाम से या कोई संस्था के नाम से, जिसके भी नाम से आप बोलेंगे उस संस्था के नाम से मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसको नहीं मिलना चाहिए। मैं डरा हुआ था, मैंने वो उसकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। वो बहू आज भी अच्छे कपड़े पहन पहन कर गाँव गाँव में फिर रही है। वो घर में नहीं टिकती, न घर में रहती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे वो रास्ते में मिली, उसने मुझे नाम से पुकारा। मैंने अनदेखी कर आगे बढ़ गया।